गुजरात के वडोदरा शहर से एक चौंकाने वाला वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें दो लड़के एक मगरमच्छ को स्कूटी पर ले जाते देख रहे हैं। वडोदरा में 27 अगस्त से 29 अगस्त तक भारी बारिश के चलते विश्वामित्री नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया था, जिससे 24 मगरमच्छ बाढ़ के पानी के साथ बहकर रिहायशी इलाकों में आ गए। विश्वामित्री नदी के ये मगरमच्छ वडोदरा के अलग अलग हिस्सों में देखे गए हैं और इनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में दो युवक एक एक्टिवा स्कूटी पर एक मगरमच्छ को लेकर जा रहे हैं। इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और इसे अपने फोन में कैद कर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक मगरमच्छ का रेस्क्यू कर वन विभाग को सौंपने जा रहे हैं। वडोदरा रेंज की वन अधिकारी करण सिंह राजपूत ने बताया कि विश्वामित्री नदी में लगभग 440 मगरमच्छ रहते हैं। भारी बारिश और अजवा बांध से पानी छोड़े जाने के कारण कई मगरमच्छ बहकर शहर में आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन 3 दिनों के दौरान हमने 24 मगरमच्छों के अलावा 75 अन्य जानवरों को भी बचाया है, जिनमें सांप, कोबरा, 5 बड़े कछुए और 1 शाही शामिल है। सबसे छोटा मगरमच्छ 2 फुट लंबा था, जबकि सबसे बड़ा मगरमच्छ 14 फुट का था।